रंजय कुमार जी का प्रश्न है। मैं सर ध्यान के करीब करीब वीडियो देखता हूँ और देखकर इस बॉडी से बॉडी में अनुभव करता हूँ। नहीं सांस अंदर आती है, नहीं बाहर जाती है, बॉडी मेरा मूर्ति के समान हो जाता है। तो मैं बैठे क्या, खड़े खड़े भी कभी कभी कंपन होता है, फिर जब उठता थोड़ा ताकत बढ़ जाता है, मध्यम रोशनी तीव्र दिखने लगता है, फिर बच्चे के हर चीज़ समाने समझने लगता हूँ। ऐसा मेरा साथ और बॉडी भी पहले से पतला हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप अपनी अनुभव हमें बताइए। और आगे वो कुछ लिखते हैं, कहते हैं कि मैं कौन हूँ, करता हूँ तो मैं हूँ बचता है, और मैं हूँ ये भी खत्म हो जाता है, बॉडी और मन ये खत्म हो जाता है, इसके बारे में गहराई से बताइए सर। मूल रूप से उनका प्रश्न है कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान में मेरी बॉडी पूरे स्टिफ शिथिल हो जाता है और श्वास की आवागमन भी रुक जाता है, श्वास चलता ही नहीं है, बॉडी में कोई हरकत नहीं होता है, बिल्कुल बॉडी रुक गया है, श्वास रुक जाता है, मन भी खत्म हो जाता है। और मैं करता हूँ ये भी एक विचार है, मैं करता हूँ तो ये मैं करता हूँ ये भी खत्म हो जाता है, मन भी खत्म हो जाता है, शरीर का भी अनुभव नहीं रहता है, समय का भी अनुभव नहीं रहता है। तो सर इसके बारे में गहराई से बताइए कि ये क्या है। देखिए रंजय कुमार जी, यहाँ पे दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, आपके साथ ये घटना घट चुकी है और आपको किसी ने समझाया नहीं है अभी तक। ये दो ही चीज़ें, या तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो भी लाइन्स आप लिखे हैं उसको देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, या तो आपके साथ ऐसी घटना घट चुकी है, बुद्धत्व की घटना घट चुकी है, आपको पता नहीं है। और जब बुद्धत्व की घटना घटेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हाँ, शुरू शुरू में कोई साधक के साथ में जब ये घटना घटती है, जैसे कुंडलिनी जागृत होती है, चक्रों का ओपनिंग होता है, आत्म साक्षात्कार जब होता है तो निर्विकल्प समाधि निर्विचार स्टेट में वो चला जाता है, क्योंकि अंदर मन बुद्धि शरीर सब हिल जाता है कुछ दिनों तक, 15 से 20 दिनों तक वो सहज स्थिति में रहता ही नहीं है। तो इतना विराट एक घटना घटेगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी को पता ना चले कि मेरे अंदर में इनलाइटनमेंट की घटना घटी है, ये असंभव है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इनलाइटनमेंट मेरे साथ हो चुकी है, कैसे मुझे पता चले। तो मैं बहुत चीज़ें पता नहीं चलेगी ये मैं मानता हूँ, लेकिन इनलाइटनमेंट की घटना घटी किसी के अंदर और ये पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अंदर से तुम मिट जाओगे, तुम्हारे व्यक्तिगत परिचय खत्म हो गए, अपनी स्वयं की धारणाएं जितनी थी कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये हूँ, तुम्हारी जितनी कलेक्शन था मेमोरीज अंदर में, वो तो सब खत्म हो गया। और जब ये घटना घटती है तो तुम नहीं रहे, अब तुम्हारे अंदर परमेश्वर, तुम्हारे अंदर परम चेतना ही बह रही है, तुम रहे ही नहीं।
इसलिए मैंने कहा कि अपने आप को बेवकूफ़ बना दें। देखिए, जब आप ध्यान में होते हैं और शरीर की भान ना हो, श्वास एक क्षण के लिए भी रुक जाए, ना श्वास आए ना जाए, एक क्षण के लिए भी रुक जाए, तुरंत आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और जागृत होकर ऊपर आ जाएगी। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर पूरे यहाँ तक आएगी, किसी किसी का सहस्रार चक्र तक भ्रमण कर जाती है और यहीं पे एनर्जी घूमने लगता है, सिर जो है भारी 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 लगने लगेगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा, माइंड एम्प्टी ब्लैंक, वो साधक एक निर्विकल्प समाधि में समा जाता है। विचार लाने से भी विचार नहीं आते हैं, वो एक शून्य में समा जाता है, ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। ब्रह्म मतलब ईश्वर, रंध्र मतलब केनल, वो खुल जाता है ईश्वर में प्रवेश होकर, तुम्हारी अपनी मौजूदगी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो एक क्षण के लिए भी किसी का श्वास बिल्कुल ठहर जाए, श्वास जो बाहर से आ रही है जो निकल रही है, दोनों श्वास अगर मिल जाए, ठहर जाए, और आपको भान ना हो, कोई विचार ही ना हो आपके मन में, और शरीर का भी भान ना, मन के भी भान, श्वास चल रही है या नहीं, उस वक्त तो जागरण हो जाएगा, इनलाइटनमेंट की घटना घट गई। बुद्ध को 6.5 साल लग गया सिर्फ से ध्यान करते करते करते, एक समय आया कि उनके श्वास रुक गए और सब कुछ घट गई। तो इसलिए मैंने कहा कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप जिस तरह से पूछ रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता है कि आपकी श्वास बिल्कुल रुक जाती है, आपके बॉडी का भान नहीं रहता है, मन रहता ही नहीं है, कर्ता भाव भी नहीं रहता है। अगर ऐसा किसी का भी एक क्षण के लिए भी हो गया तो संपूर्ण रूप से वो अंदर से बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, स्वयं को जान लिया, वो परम चेतना में समा गया, उसकी व्यक्तिगत चेतना गई और परम चेतना बह गई उसके द्वारा। शायद आपको ऐसा भान होता है कि मेरे अंदर कोई विचार नहीं है, सब कुछ ऐसा रुक गया है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोई इच्छाएं या तो विचार कहीं न कहीं आपके अंदर रहता है जिसकी वजह से आपने उपलब्धि नहीं की। हाँ, नहीं तो शायद ऐसे आपके साथ हो चुका है, बुद्धत्व को आप प्राप्त कर लिए हैं, क्योंकि जिसने प्राप्त कर लेगा, जिसकी पूरी कुंडलिनी जागृत हो गई, जो महाशून्य में समा गए, परमात्मा के साथ एक हो गए, पूरे यूनियन में अस्तित्व के साथ, तो उनके साथ ये हो सकता है, वो अंदर से खाली हो गए, ये शरीर नहीं, पूरे वो अनंत चेतना में समा गए हैं। तो देखिए, आप आपके क्या कुंडलिनी जागृत हुई है, आप महाशून्य में समाए हैं या नहीं। और जिस तरह से आपने मुझे पूछा है, इस ऐसी चीज़ें अगर किसी के साथ भी घटती है, श्वास बिल्कुल रुक जाए, बॉडी पूरे स्टिफ मूर्ति के समान, एक सेकंड के लिए भी होगा तो कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा तुरंत ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मन में एक विचार भी नहीं है आप बोलते हैं, तब तो ये समाधि की स्टेट है, तब आप समाधिस्थ हो चुके हैं। और जिसको एक बार समाधि लग गई, वो तो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए, और जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया तो उनको तो सारी चीज़ें, अब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है तो धीरे धीरे क्लियर कर ही देगी सारी चीज़ें, डाउट्स क्लियर हो ही जाएगा, एक परम शांति अंदर, परम शांति की स्थिति आ गई, आनंद की स्थिति, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, निराकार स्वरूप, अजन्म शाश्वत स्वरूप, जैसे समाधि लगी तो हो गई। तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं, इसका मतलब है आपको समाधि लग गई,
या तो आप इस स्टेट में गए ही नहीं हैं, आपको लग रहा है कि मैं इस स्टेट में हूं। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसे मेरे कितने सारे साधक हैं जो आते हैं, ध्यान करते हैं, कितनी को जागरण हुई है। खुद मैं ध्यान में 4 घंटा 5 घंटा बैठता हूँ, कुछ बांध नहीं होता है। आप जैसे बोल रहे हो वैसे कुछ बांध नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बॉडी के बांध नहीं, कुछ भी नहीं, मात्र होने की बोध। एक स्वयं के सिवाय और दो है ही नहीं यहाँ पर। स्वयं के सिवा दो है ही नहीं, वो एक ही है, वो एक ही है, अलग अलग डायमेंशन पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन आप उस यूनियन तक पहुंच गए हैं कि वहाँ आपके सिवाय और कोई नहीं, इसी को कहते हैं अद्वैत। अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक भी नहीं है, अद्वैत है, एक यूनियन है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकृति के इंटेलिजेंस है। ये सब बहुत गहरी चीज़ें हैं, आगे कभी वीडियो में हम बातें करेंगे। तो आप अपने आप को चेक कीजिए क्या आपके साथ ये बुद्धत्व की घटना घट चुकी है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, आप क्या समाधिस्थ हो चुके हैं। अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं इसका मतलब आपकी हो चुकी है, और नहीं तो आप इस स्टेट में पहुँचे नहीं हैं, लेकिन आप मुझसे ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे मेरे साथ होता है। अगर ऐसे होता है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ विचारे हैं, कोई इच्छाएं हैं, लेकिन उसकी भान आपको नहीं है। ठीक है, नमस्कार।